बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर लखनऊ से, जहां पर 17 से हर जिले में डेडिकेटेड डेंगू अस्पताल। अस्पताल में फिजिशियन चिकित्सक की तैनाती अनिवार्य। हर अस्पताल पर एक नोडल अफसर की होगी तैनाती। वहीं बेड की उपलब्धता, भर्ती रेफर मरीज की रिपोर्ट रोज होगी तैयार। तो डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है। छात्रों को फुल शर्ट और पैंट पहनने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि 17 से हर जिले में डेडिकेटेड डेंगू अस्पताल की शुरुआत की जाएगी। 17 से हर जिले में डेडिकेटेड डेंगू अस्पताल की शुरुआत, जहां अस्पताल में फिजिशियन चिकित्सक की तैनाती पूर्ण रूप से अनिवार्य होगी। फिजिशियन की तैनाती पूर्ण रूप से अनिवार्य होगी, इसके साथ ही हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने की बात सीएम के द्वारा की गई। हर अस्पताल में एक नोडल अफसर की भी तैनाती होगी, ये सीएम के द्वारा निर्देश दिए गए। बेड की उपलब्धता, भर्ती रेफर मरीज की रिपोर्ट होगी रोज तैयार। तो आपको बता दें कि डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ ही स्कूलों में छात्रों को फुल शर्ट पहनने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि वो डेंगू का शिकार ना हो पाए। 17 से हर जिले में डेडिकेटेड डेंगू अस्पताल की शुरुआत की जाएगी। वहीं इस डेडिकेटेड अस्पताल में हर फिजिशियन की अनिवार्य होगी उसका पहुंचना। तो लखनऊ से खबर, जहां पर 17 से हर जिले में डेडिकेटेड डेंगू अस्पताल की शुरुआत की जाएगी। लगातार डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम के द्वारा यह बड़ा फैसला, जहां पर हर अस्पताल पर एक नोडल अफसर की तैनाती की जाएगी, वही हर प्रकार की सुविधा प्राप्त होगी। आपको बता दें, इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़े हैं। अवनीश, इसको लेकर जो सीएम के द्वारा डेंगू को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है डेडिकेटेड अस्पताल बनाने को लेकर, इसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए डेंगू के जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता दिखाई और साफ तौर पे कहा कि जैसे कोविड के लिए डेडिकेटेड अस्पतालों को बनाया गया था, उसी तर्ज पर डेंगू के लिए डेडिकेटेड अस्पताल बनाया जाए। तो 17 नवंबर से सभी जनपदों में डेडिकेटेड डेंगू अस्पताल की शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए नोडल अफसर रखे जाएंगे और वहां उस अस्पताल में फिजिशियन और बाल रोग चिकित्सक की तैनाती अनिवार्य होगी। यानी कोई भी डेंगू का मरीज आता है तो उसको बेहतर इलाज दिया जा सके, उसकी पूरी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जाएगी। तो जो भी डेडिकेटेड डेंगू अस्पताल होंगे, अगर वहां पर फिजिशियन या बाल रोग विशेषज्ञ नहीं होते हैं, तो आसपास के जो अस्पताल होंगे वहां से इन दोनों डॉक्टरों को बुलाया जाएगा और वहां पे उनकी तैनाती की जाएगी। इसी को लेकर जो नोडल अफसर होंगे वो पूरी तरह जो रिपोर्ट है वो तैयार करेंगे, जो भर्ती मरीज हैं उनकी रिपोर्ट तैयार होगी, जो डेंगू के गंभीर मरीज हैं उनकी रिपोर्ट तैयार होगी और साथ ही जिनकी मौत हो जाएगी उसकी भी रिपोर्ट तैयार। इस डेडिकेटेड अस्पताल की शुरुआत हो जाएगी। और लखनऊ की अगर बात करें तो कर दिया गया है और वहां पूरी व्यवस्थाएं रखी जा रही हैं। जी माफ कीजिए अवनीश, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ रही, अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि डेंगू को लेकर सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया, जहां पर डेडिकेटेड अस्पताल बनाने की बात सीएम के द्वारा की गई। यहाँ पर हर वक्त एक फिजिशियन होना अनिवार्य कहा गया है। इसके साथ ही हर प्रकार की सुविधा जो मरीज होंगे उनको उपलब्ध कराई जाएगी।